प्रिया और शिवानी, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? ट्रिगर्ड इंसान की न्यू वीडियो है ना? हाँ। तो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान की नई वीडियो, जिसमें उसने रूही राय को रोस्ट किया है। ये क्या हो गया? तो एक दो तीन, एक चल। हिचकी आ रही यार। तो ये बात है कल शाम की, मैं यूं ही सोशल मीडिया पर वीडियोस हांड रहा था कि तभी अचानक मुझे ये वीडियो दिखाई। आपने सुसु करते वक्त अपने पी का शेप नोटिस किया है? और अगर किया है तो इस शेप का क्यों होता है, कभी सोचा है? इसका शेप कैसा होता है, कुछ गुथे हुए आटे से हम समझ सकते हैं। निकलते वक्त धार फैली हुई होती है, फिर आगे बढ़ते हुए वो अपने पिछले धार के परपेंडिकुलरली फैल जाती है और दिखने में कुछ इस तरह से दिखती है। जब भी ऑरिफिस यानी कि छेद रेक्टेंगल शेप का होगा, तब पानी डालने पर इसी तरह का धार बनेगा। वाटर ड्रॉप अपना सर्फेस टेंशन मिनिमम रखने के लिए शेप स्फेरिकल रखते हैं। निकलते वक्त धार का शेप रेक्टेंगल होगा, लेकिन नीचे आते वक्त अपने सरफेस टेंशन को मिनिमम करने के लिए स्फेरिकल शेप लेगा, लेकिन पहले से कुछ मोमेंटम होने के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फैलेगा और आगे भी इसी मोमेंटम के कारण शेप बदलता रहेगा। ठीक जैसे ये बबल अपने सरफेस टेंशन को मिनिमम और अपने शेप को स्फेरिकल आगे बढ़ रहा है। ओह माय गॉड, इसी ज्ञान की तो जरूरत थी मेरे को अपने जीवन में। मेरे सुसु की शेप ऐसी क्यों होती है, बस यही तो जानना बाकी था। और भाई, अगर तुझे सुसु की शेप का एक्सप्लेनेशन देनी थी तो आटे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसको देख के ना मेरे को एक शायरी याद आई है, अर्ज किया है। ये ऐसा जमाना है साहिब, जहाँ लोग किसी के ज्ञान पर मूत देते हैं। ये ऐसा जमाना है साहेब, जहाँ लोग किसी के ज्ञान पर मूत देते हैं। ये पहली बार देखा है कि किसी ने मूतने पर ज्ञान दिया है। जी हाँ गाइस, आज हम ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं जिनको देख के यू विल बी लाइक आई। बहन, रेड फ्लैग अलर्ट। अगर तुम्हारे बंदे के पास सोशल मीडिया है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर वो लड़कियों को फॉलो करता है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर उसके पास फोन है, अगर वो पैरों में चप्पल पहनता है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर बाल है उसके, तो ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर वो सांस लेता है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर वो जिंदा है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अरे क्या चाहती हो बहन? ये रूही रॉय, इफ यू गाइस डोंट रिमेम्बर, थोड़े टाइम पहले मैंने इन पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि ये सोशल मीडिया की सबसे महान इन्फ्लुएंसर है जो बहुत ज्यादा ज्ञान देती है। एंड हियर शी इज। तुम्हारा बंदा कुछ भी करता है, तुम्हारा बंदा है भी, तो चीटिंग तो कर ही रहा है। मैं लिख के देता हूँ। हाय बेस्टीज, तो शादी का सीजन चल रहा है और मैंने किसी की शादी में स्नीक इन करा है। यस, बिना इनविटेशन के मैं शादी में आई। वेरी नॉटी। सबसे पहले गोल गप्पे और मेरी सच में बहुत बटरी थी। फिर हमने खाई ये पाव भाजी जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मतलब इतनी अच्छी पाव भाजी मैंने शायद से खाई होगी। तो मैंने और भी चीजें मंगाई, यहाँ दही बल्ले, फ्रेंच फ्राइज। और मतलब मेरे को अंदर से इतना डर लग रहा था, मैं बता रहा हूँ। मैं खाना एंजॉय कर रही थी, खूब खाना बहुत ज्यादा यम्मी था। अच्छा। शादी का खाना वैसे बहुत अच्छा होता है, बट ये वाला तो बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल ही था। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने यहाँ पे चाइनीज प्लेटर मंगाया था और जिसको मैं खा रही हूँ, और यू नो बेशर्मों की तरह, जैसे मेरी किसी की शादी है, बट इट्स नॉट। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था, बट अब मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। इतना कुछ खुशने के बाद हम चले गए कुछ पीने के लिए और मैंने पिया नारियल पानी, बिकॉज मैं एकदम हेल्दी बनने की ट्राई कर रही थी। इतना सब कुछ ठूसने के बाद नारियल पानी पी रही हूँ, बिकॉज मैं हेल्दी बनने का ट्राई कर रही हूँ। गोलगप्पे, समोसे, पाव भाजी, जलेबी, फाफड़ा, सब कुछ खाने के बाद अब मैं कोकोनट वॉटर पीऊंगी गाइस, बिकॉज आई एम ऑन डाइट, यू नो। छोले भटूरे खाली है, आलू पूरी खाली है, अब इसके बाद एक ग्लास गर्म पानी पी लूंगा मस्त एकदम। आई एम ऑन डाइट, यू नो। हमने खाई रसमलाई, इसके बाद रसमलाई भी खाई है डाइट पे। Just trying to stay healthy, guys. ये एक अलग टाइप की डाइट होती है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। और फिर आप एक कोकोनट वॉचर या गर्म पानी का ग्लास पी लेते हैं एंड फिर आप पतले हो जाते हैं। काफी कम स्टूडेंट कर पाए। ये मेरे जैसे हफ्ते में एक दिन जिम जाने वाले लड़के जो है ये बहुत अच्छे से समझते हैं। आई कैन रिलेट टू हर। लेकिन तुम सोचोगे यार हम रूही रॉय के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सो बेसिकली रूही रॉय जो है आजकल ट्रेंड में आ रखी है, क्योंकि वेरी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही कमाल की वीडियो पोस्ट करी। हाय बेस्टीज, तो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं। या सो बोलने में भी इतना अजीब लग रहा है एंड इसने उस चीज को व्लॉग किया है, टूट लाइक लेजिट शी व्लॉग्ड इट। तो इस वजह से ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जो है एकदम ही रेज हो गया कि यार इसने ऐसी वीडियो बनाई है, तो इसको बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। मीम पेजेस ने मीम्स वगैरह बनाए कुछ ऐसे। खा सकते हो बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट। तो ऐसे कुछ मीम्स बनने लगे, कुछ रोस्टर्स ने भी इसको रोस्ट करा एंड उसके बाद रूही रॉय
बॉय ने बनाई रिस्पांस वीडियो। वैसे भी तुम्हें पता है सोशल मीडिया की इंडिया में स्पेशली हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है रिस्पांस वीडियोस की। पहले किसी ने एक बार एक रिस्पांस वीडियो बनाई थी तो ऐप ही बंद हो गई थी। हाँ तो आइए इनकी रिस्पांस वीडियो देखते हैं। एनीथिंग आई डू आई गेट हेट। मैं खाना खाती हूँ तो भी मुझे हेट मिल रहा है। मैं कुछ भी करती हूँ, मैं अपने पापा के श्राद्ध का रिचुअल शेयर कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग हेट। रो रही है बेचारी। ये सारे सोशल मीडिया पे लोग मीम्स बना रहे हैं बेचारी पे, उसके ऊपर रोस्ट वीडियोस बना रहे हैं। क्या गया था उससे, बुरा लग रहा है यार मेरे को, बेचारी रो रही है। मैं अपने पापा के श्राद्ध का रिचुअल शेयर कर रही हूं एंड आई एम गेटिंग हेट। डू आई केयर? नो आई डोंट। मगरमच्छ के आंसू। मैं सच में यहाँ पे रो रहा था राहुल जी के लिए, मेरे को लगा बेचारी दिल से रो रही है, शी फील्स सैड के उन्होंने जो करा उसके लिए शी सैड, बट ये तो सेंटर फिंगर दिखा गई रे। चल हट। सो रवि जी ने ये अपने रिस्पांस वीडियो में शी इज लाइक के आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आपने वो वाली वीडियो डिलीट क्यों करी? क्योंकि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि लोग क्या बोल रहे हैं। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो इस रिस्पांस वीडियो के कमेंट्स क्यों डिसेबल्ड है? और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो 15 मिनट बाद इसी वीडियो में मजाक बना के रख रहे हैं, अच्छा लगता है यार। मजाक बना रहे हैं उस वजह से आप रो रहे हो, पर आपने तो खुद ही बोला कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। अरे ठीक है यार, तुमसे गलती हो गई। तुमने एक मिनी ब्लॉग बनाया जिसमें तुमने कुछ ऐसी चीज दिखाई जो शायद नहीं दिखानी चाहिए थी, बिकॉज सोशल मीडिया है यार। सोशल मीडिया पे जितने लोग उतनी आवाज उतनी ओपिनियन, हर एक की अपनी ओपिनियन है। तुम्हारे लिए जो चीज नॉर्मल है वो चीज लोगों को शायद पसंद नहीं आई, उन्होंने तुम्हें उसकी वजह से शायद ट्रोल किया, तुम पर वीडियोस वगैरह बनाई। ऑल यू कुड हैव डन वाज से हाँ मुझसे गलती हो गई एंड जस्ट मूव ऑन। बट नहीं, हम रिप्लाई वीडियो बनाएंगे कि तुम ये है वो हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो माय कंटेंट जहाँ पे ये सारे घटिया से मीम बन रहे हैं, जहाँ पे इन लोगों को तमीज नहीं है कि किसी ने अपने फादर को लॉस करा है और दे आर मेकिंग फन ऑफ इट। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मीम्स है दे आर नॉट मेकिंग फन ऑफ योर लॉस, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमने एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई फॉर व्यूज, मतलब पूरे व्यूज के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अच्छा बेटे, मैं उसमें अपनी उसी वीडियो में अगर रोती ना, अगर मैं उस वीडियो में रोती तो उस वीडियो में जितनी रीच है ना उससे ट्रिपल रीच होती मेरी, याद रखना। अरे मोरी मैया, याद रखना, याद रखना। तुमको इतनी बात नहीं समझ आती कि तुम्हें बस उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी थी। मैं रो के उस पे ज्यादा व्यूज ले सकती थी 3 गुना, पर मैंने वो नहीं करा। देखो मैं कितनी महान हूँ। अरे आप अपनी महानता वहाँ दिखाओ ना, ऐसी चीज पे वीडियो ही मत बनाओ। नहीं, मैं तो उस पे रो के ज्यादा व्यूज ले सकती थी बट मैंने नहीं करा। देखो आई एम सच अ रोल मॉडल, व्हाट अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर आई एम, बट व्हाई डू यू इवन हैव टू मेक अ वीडियो ऑन सच अ टॉपिक, दैट इज द पॉइंट। वो सब अपना रिचुअल शेयर करो कि हमारे में ये सब रिचुअल, फिर से बोलो रिचुअल। रिचुअल, अरे रिचुअल नहीं, रिचुअल 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 रीन रिचुअल ही बोल। श्राद्ध में क्या ये गलत है? आई एम आस्किंग यू ऑल बेस्टीज, क्या ये चीज गलत है कि मैं अपना रिचुअल शेयर कर रही हूँ? आई एम नॉट योर बेस्टी बट हाँ ये गलत है, आपको यही वाला रिचुअल नहीं शेयर करना चाहिए था। इसके अलावा आप अपने बर्थडे का रिचुअल, आप अपने फेस्टिवल्स का रिचुअल कुछ भी शेयर करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रोबेबली इस चीज का रिचुअल नहीं शेयर करना चाहिए था। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हर एक की अपनी खुद की ओपिनियन होती है, आपकी अपनी खुद की ओपिनियन है, और आपकी ओपिनियन में पता नहीं, मजाक तो तुम लोग ने बनाया, जो तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैंने मजाक बनाया, मजाक तुम लोगों ने बनाया है मेरे फादर की डेथ का। फिर से बोलना, तुम लोगों ने बनाया है मेरे फादर की डेथ का। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये क्या है? ही कॉल मी डैडी, मी डैडी, देन ही लेफ्ट मी लाइक माई डैड। हिपोक्रेसी।
तौलिए पड़े हुए हैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, देखो ऐसे होता है किसी घर का डाइनिंग टेबल, इंसान दो मिनट बैठ के सांस भी नहीं ले सकता। और बेडरूम की हालत तो देखो माशाल्लाह, ये देखो कपड़े यहाँ पे चार चार दिन धुल के आएंगे, यहाँ पे चार चार दिन ऐसे ही पड़े रहे। ये देखो फोन, मुझे पता था तुम फोन पे लगे हो, जब भी बोलो ना तुम्हारे फोन के लिए बस दो मिनट हो गए, सारा दिन तुम फोन पे लगे रहते हो। हमेशा बोले की दो मिनट हो गए, तो यार पहले घर का काम समेटो, पहले घर समेटो, घर के सारे कामों के लिए, सारे कामों के लिए, सारे कामों के लिए मेड लगी पड़ी है, सिर्फ तुम्हें खाना बनाना वो भी ढंग से नहीं करते। मैं तो यार परेशान हो गया, मैं तुमसे ना सच में बहुत इरिटेट हो चुका हूं। तलाक को अंग्रेजी में डाइवोर्स नहीं डिवोर्स कहा जाता है, इसकी सही प्रोनंसिएशन डिवोर्स होती है। अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष नहीं। क्या था ये, तो वो इंडियन टीवी एड्स की तरह है जहाँ पे पहले 30 सेकंड में पता ही नहीं चलता किस चीज की एड चल रही है। कोई हीरो भाग रहा है, भाग रहा है, एक लड़की उसको ऐसे करके देख रही होती है, फिर भाग में पता चलता है वो तो जीन्स की एड थी। ये उसी की तरह अंकल आके रेज किए जा रहे हैं आंटी पे, तुम हाउस वाइफ हो, कपड़े नहीं समेटती, पूरे दिन कुछ काम नहीं करती। आंटी कहती है मेरा सिर्फ यही काम है, और मैं भी बोलने लगा था कि आंटी को हाउस वाइफ बना रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सारे कपड़े समेटेगी, अंकल आप भी तो कर सकते हो। एंड सडनली लाइक डिवोर्स ले लूंगा, वो कहती है डिवोर्स ले लो, एंड लाइक डिवोर्स नहीं डिवोर्स होता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रमोशन स्पॉन्सरशिप वीडियो आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। फ्रेंच टीवी शो इनवाइटेड पीपल विद अनयूजुअल लाफ्स टू सिट टुगेदर, अजीब अजीब सी हंसी वाले लोग। हंसरी चिल्ला रही है। किसी की हंसी थी वो लेजेंड। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज भाई। भाई की आवाज में इतना दुख था, इतना दर्द था, और उतना ही दुख दर्द भाई के दांतों में भी था। दांतों से उसके मुख दांतों में से उसका दर्द दिख रहा है। भांडो अभी आवाज सुना है, यहाँ पे इनको सीटी सोडा भी कहा जाता है। सीटी सोडा आहा परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया अंकल जी को, बिल्कुल जैसे मुझे होता है मेरे वीडियोस में। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड, मेक श्योर टू लाइक इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिया और शिवानी कैसी लगी वीडियो? वीडियो मस्त थी, और जो लास्ट में जो गिटार और वो था ना भाई, और सीटी वाली आवाज टल जाते हैं यार, वो भी मस्त था। मतलब वीडियो में सच्ची से अच्छी थी, अमेजिंग। रूही राय तो मुझे तो लगता है पागल ही है वो, तो छोड़ो ना उनका क्या क्या करना, अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो रिस्पॉन्स वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, रोके फिर उसके बाद फिर ये मतलब क्या ही बोलूं मैं। वैसे तो हमने ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, और मजा ही मजा आ रहा था भाई मेरे को। क्या हो गया मुझे, मजा ही आ जाता है मुझे सीटी वाली आवाज, मुझे ट्रिगर इंसान की वीडियो देख के। तो गाइस अगर आपको भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।